एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने पॉट्स पे कलर कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि हम अपने प्लांट पॉट्स पर कौन सा कलर करें, कौन सा अच्छा लगेगा, किस कंपनी का करें और किस तरीके से करें। तो इसलिए मैंने आज सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरा एलेक्सेरो का प्लांट है जिसके पॉट पर मैंने रेड कलर किया है। ये बिल्कुल मैंने अभी किया है और ये ड्राई भी नहीं हुआ है। हम रेड कलर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे प्लांट्स की जो लीफ है वो ग्रीन होते हैं और इसके साथ रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग मज़ीद इसके अंदर कलर करना चाहते हैं तो इसकी इस जगह के ऊपर आप जो है वो येलो कलर कर सकते हैं। इससे आपका पॉट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हमें सिंपल करना क्या है, आप कोई भी कंपनी का कलर ले लीजिए, डार्क रेड ले लीजिए या फिर मरून ले लीजिए। जैसे कि मैंने ये कलर लिया है, ये कलर का इतना बड़ा बॉक्स जो है आराम से 50 से 60 गमलों पर हो सकता है। तो आप अपने पास देख लीजिए आपके पास कितने गमले हैं, इससे बड़ा, छोटा या इस साइज का, जो भी आपको जो है वो सूटेबल हो वो कलर ले लीजिए। इसके अलावा हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो मिट्टी के तेल की पड़ेगी। मिट्टी का तेल ले लीजिए एक बॉटल के अंदर थोड़ा सा, या फिर जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। एक खाली एम्पिटी बॉक्स लेना है, मेरे पास पहले से इसमें थोड़ा सा कलर बना हुआ है लेकिन मैं आपको मज़ीद इसको जो है वो बना के दिखाती हूँ। कोई भी बॉक्स लेने के बाद इसमें आप अपना थोड़ा सा कलर ऐड करिए जितना आपको बनाना हो। सारा ऐड नहीं करना है क्योंकि अभी हमें इसमें मिट्टी का तेल भी ऐड करना है। ये देखो, क्योंकि मेरे पास पहले से थोड़ा बहुत बना हुआ है तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा सा ही लूँगी। सिंपल ये लेने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से पैक कर देंगे ताकि आप इसको बाद में भी यूज़ कर सकें और ये ड्राई ना हो। ठीक है, आप जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, मिट्टी का तेल या पेट्रोल, वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़्यादा ऐड नहीं करना है कि हमारा कलर जो है वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा, एक दो ढक्कन इसका, एक दो कैप जो है, इसके आप मेजरमेंट ले सकते हैं, एक दो या इससे ज़्यादा भी जो है वो आप ले सकते हैं। इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है लेकिन ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और जब आप कलर करें 5-10 मिनट बाद, जब आप ये देखें, ये देखें इस तरीके से हो गया। जब ये और ज़्यादा जो है वो गाढ़ा गाढ़ा होने लगे तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। इस तरीके से आप इसमें ऐड कर अपना कलर जो है वो करिए। ये देखिए, मैंने अपना मनी प्लांट का पॉट लिया है। अब हमें सिंपल करना क्या है, क्योंकि इस पर पहले बिल्कुल भी कलर नहीं हुआ तो हम इस पर कलर करेंगे, फिर इसको ड्राई होने देंगे और फिर हम इस पर दोबारा कलर करेंगे। यानी कि इस पर हम दो दफ़ा इस पॉट ले लेंगे, फिर जो है वो हमारा सही कलर निकल कर आएगा। इस तरीके से आप इसको नीचे से स्टार्ट करिए और नीचे कोई भी आप अखबार या कपड़ा, जो भी चीज़ जो है वो आप रख लीजिए। अच्छा, जैसे इस वक्त मैंने ये कलर किया, अब मेरे ब्रश के अंदर कलर ख़त्म हो गया तो हम इस पर यूँ ब्रश फिरते नहीं रहेंगे बल्कि फिर से कलर लेंगे, वरना जो है इसके ऊपर ब्रश का जो है वो निशान पड़ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको जो है वो अपने पूरे पॉट के ऊपर कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने अपने कुछ जो है अभी पॉट्स पे कलर किया है, आप लोग देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा जो है वो अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को इसकी ख़ास बात बताऊँ, ये देखिए, ये वाला मेरा पॉट जो अभी बिल्कुल ड्राई भी नहीं हुआ है, इस पर मैंने दोनों पॉट फेर लिए। आप लोग खुद ही फर्क महसूस कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जो है वो क्लीन और अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर बार बार आप पुलिश नहीं करेंगे वरना उसका निशान भी नज़र आएगा। तो देखिए, बिल्कुल भी आप लोगों को इसके ऊपर पता नहीं चल रहा होगा। इस तरीके से जो है वो आपने, इसलिए ज़रूरी है इस पर दो दफ़ा पोट करना। और ये देखिए, इस वाले पॉट पे मैंने अभी एक ही हाथ फेरा है, आप लोग देख सकते हैं ये उस तरीके से जो है निकल के नहीं आया ना, ये उस तरीके से जो है अभी अच्छा लग रहा है। मैं भी इस पर जो है वो एक और दफ़ा कलर करूँगी। ये देखिए, ये वाला पॉट भी है हमारा, ये देखिए इस पर जगह जगह जो है वो पहले भी कलर हुआ हुआ था, इस तरह से भी कुछ जो है ये ऐसा लग रहा है। लेकिन जब हम इस पर अपने एक और हाथ दफ़ा कलर पर करेंगे तो ये जो है बिल्कुल हमारे उस पॉट की तरह ही अच्छा लगने लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो है इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत सारा तैयार रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।